अनुकल्प और मैं एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अरे अनुकल्प, तुम आ गए? चले आप लोग बैठिए ना, मैं आता हूँ। नहीं मोना, मुझे नहीं लगता मुझे स्वीटी के लिए गिफ्ट ले जाना चाहिए। तुम्हें पता नहीं मोना, स्वीटी के कड़वाहट ने मुझे कितनी चोट पहुंचाई है। क्या क्या नहीं कहा है उसने मोना, अब तुम ही बताओ। ये सब सुन के कितनी तकलीफ हुई होगी मुझे। इट रियली हर्ट्स मोना, इट रियली हर्ट्स। इट हर्ट्स, इट रियली हर्ट्स। मैं जानती हूँ कि बहुत दुख हुआ होगा आपको, पर जरा सोचिए, जब आपके मम्मी पापा ने स्वीटी दीदी का सामान घर वापस भेजा था तो उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। बाय गॉड, बहुत रोई थी वो उस दिन। और हो सकता है इसीलिए उन्होंने आपसे बदला लेने के लिए आपको भी हर्ट कर दिया हो, और आपसे कड़वी बातें कर दी हो, है ना? बचपना था मेरा, छोटी सी चाहत को प्यार समझ बैठा था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि वो बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अनुकल्प और मैं एक दूसरे से प्यार नहीं करते। प्यार की वजह से शादी नहीं हुई है, वो तो बस मेरी बेवकूफी की वजह से शादी हुई है। मोना, मुझे कई बार तुम लड़कियों की बातें समझ में नहीं आती। चलिए ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप स्वीटी दीदी को ये गिफ्ट तो दे सकते हैं ना? जैसे आप उनको ये गिफ्ट देंगे ना, देखना उनका गुस्सा झट से भाग जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये गिफ्ट तुम ही देना उसे, और अगर इससे उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और मुझसे बात करना चाहती है तो फोन कर सकती है। I'll take a leave. कहीं हमारे साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है ना मोना जी? कहीं हम दोनों भी एक दूसरे को अनजाने में चोट तो नहीं पहुंचा रहे? और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या पता कैसा लगा था मुझे उस दिन तुम्हारी बात सुन के। इसीलिए मैंने भी आज तुम्हें सुनाने के लिए कह दिया कि हमारे बीच कोई प्यार व्यार नहीं। कुछ कहा क्या आपने मोना जी? नहीं तो चलो। क्या वो आपको ढूंढ रही है क्या? मैं ना कुछ भूल रही हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या भूल रही हूँ। अरे अब्बा, कुछ तो भूल रही हूँ। बा वर वधु की आज पहली संध्या पूजा है, इन दोनों गायब है, अब तक कोई नजर नहीं आ रहा है, और अब की मोना रानी तो सुबह से न जाने कहाँ गई है। अरे अब मुझे सुना के क्या होगा बिजल? अरे जिसकी बहू है उसे कहना, और वैसे भी नई नवेली दुल्हन को घर के तौर तरीके सिखाना तो उसकी सास का काम होता है कि नहीं? वैसे बहू को इतना सर पे चढ़ा के रखना मेरे ससुराल में तो नहीं चलता। फिर खैर, तुम्हारी गृहस्थी की तो बात ही और है। अरे मेरी गृहस्थी अब मेरी रही कहाँ बीजल, सब कुछ तो तेरी भाभी के हाथ में सौंप दिया है मैंने। अब देख, मीन मेघ निकालने की मेरी तो आदत नहीं है मेरी तरह, इसलिए गलतियाँ देख कर भी मैं बुढ़िया तो अपनी आँखें मूंद लेती हूँ। बात तुम आँखें बंद कर लोगी, लेकिन ये भगवान की बात है, पूजा का मामला है। पूजा में कोई कमी रहेगी तो भगवान तो अपनी आंखें नहीं मूंद लेंगे। भाभी, पूजा की सारी तैयारियां हो गई है ना, देखना उसमें कोई त्रुटि न रह जाए। ओ बिजल बहन, फिकर मत कीजिए, ये आपकी भाभी की गृहस्थी है, कोई त्रुटि नहीं रहेगी, पूजा विधि अनुसार ही होगी। अच्छा, पंजाबी बहू के साथ भी? हाँ। वाह सरस। सुन, वो सामग्री का लिस्ट, सारा सामान आ गया है ना पूजा का? जी अम्बा जी, सब तैयार है। जरूरत पड़े तो एक बार फिर चेक कर लेना। जी। अगर पूजा में कोई कमी रह गई ना तो तेरी ये फूई और बा तेरी माँ के साथ साथ मेरे पुश्तों का भी दोष निकालने बैठ जाएगी। ऐसी सास और ननंद को झेलना आसान नहीं है। बड़ी भाग्यशाली है तेरी भाभी कि उसे मेरे जैसी सास
और तुम जैसी नंदे मिली है। ऐसी सास मिलती ना, अच्छा चबा जाती। तू कर ले, पकड़ इसको। पकड़ जी। क्या हुआ सीजल, तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? कुछ बात हो गई? वो हेतल दीदी जिस सामान की लिस्ट की बात अंबा जी कर रही है ना, वो मैंने भाभी को दी है लाने के लिए, लेकिन भाभी अभी तक नहीं आई। सीजल क्या बात कर रही है तू, पागल हो गई है क्या? अब तो हो चुका तेरा काम। अरे अब तक तो वो भूल भाल गई होंगी। नहीं, इतना जरूरी काम वो नहीं भूलेंगी। क्या भूल रही हूँ मैं? हाय रब्बा, मैं कुछ तो भूल रही हूँ। भूई ने कुछ कहा था? नहीं नहीं, अंबाजी ने ना, ना दाजी ने तो जो कहा था मैंने कर दिया। हाय रब्बा, मेरा तो सर चकरा रहा है, क्या करूँ अनुकल, क्या करूँ? दिमाग पे इतना प्रेशर क्यों डाल रही है? याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बाद में याद कर लेना। कितना? वो भी ठीक है, सही। अनुकल मैं ना बिहार स्वीटी दीदी को देकर आती हूँ। ओके हेलो भैया, कहाँ हैं आप? भाभी आपके साथ है? हाँ, क्यों? भैया प्लीज आप दोनों जल्दी आ जाइए, कम से कम भाभी को फौरन भेज दीजिए। अंबा जी 5 बार पूछ चुकी हैं। अच्छा ठीक है, ओके। मोना जी, आपको अंबा जी अंदर बुला रही हैं, आपको फौरन जाना होगा। पर ये हार? देखिए अगर आप नहीं गई तो सुनना पड़ेगा, अंबा जी का गुस्सा तो आप जानती है ना, वैसे उन्हें पसंद नहीं है बार बार मायके जाए। एक बार जाके देख लीजिए अंदर है क्या, प्लीज। अच्छा ठीक है, तो तुम ये स्वीटी दीदी को दे दोगे ना? ये उन्हें दे दो। मैं उनसे कहूंगा क्या? अरे तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, रुको मैं सब लिख के दे देती हूँ, ठीक है? बस जाके उनको दे देना। हाँ यासर दीदी ने उनको भूलना था। चलती भारती, अब देर किस बात? कोई देर नहीं है, सब तैयारियां हो चुकी है, बस मुहूर्त का इंतजार है। सारी तैयारियां कहाँ हुई हैं? अभी तक तुलसी जी नहीं आई, पान नहीं है, सुपारी नहीं है। जब तक पूरी सामग्री नहीं आएगी पूजा कैसे होगी? भाभी भाभी लेकर आओ। सब कुछ हो गया, अब फिक्र मत कीजिए बिचल बहन, जा से जा सारा सामान लेकर आ जा पूजा का। अम्बा जी वो क्या कर रही है? सामान मंगाया था ना मैंने, जा। वो क्या है ना अम्बा जी, कि सेजल ने मोना भाभी से कहा था पूजा का सामान लाने के लिए, लेकिन अभी तक ना तो मोना भाभी का पता है और ना ही सामान आया है। तूने मोना से कहा सामान लाने के लिए? अब तो आ चुका सामान और हो चुकी पूजा, समझ में नहीं आता तूने ऐसा क्यों किया। जानती नहीं तू कितनी लापरवाही तेरी भाभी, पता नहीं कहाँ उड़ा उड़ा रहता है उसका दिमाग। लो अब तो हो चुकी पूजा। पूजा होगी बा, अगर वो सामान नहीं लाई तो मैं लेकर आऊंगी। क्या हो, कोई बातचीत हो गई क्या? भाभी मैंने आपको जो सामान लाने को कहा था आप लाई हो ना? रब्बा मैं तो एकदम ही भूल गई, अब क्या करूं? चुप क्यों खड़ी है, बताना पूजा का सामान लाई के नहीं? वो मैं ये क्या मैं लगा के रखा है बकरी की तरह, मुंह में दही जमा के रखा है क्या? जवाब देना। अरे ये क्या बोलेगी बीजल, हाँ देख ले अपनी भाभी की बहू को, इस लड़की को तो जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है। भारती घर में इतनी बड़ी पूजा है, अब बिना सामग्री के पूजा कैसे होगी? हाँ जी, ये पूजा का सामान ये रिक्शा में छोड़ाई थी, पकड़ी पकड़ी पकड़ी। इतने बाजार ढूंढने पड़े हमें इस सामान के लिए, क्यों? ये लो, और तुम सब बेचारी मोना के पीछे हाथ धो के पड़े थे। सीजल बेटा
ये सारी सामग्री ले आओ, हम जल्दी से पूजा शुरू करते। चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, पूजा तुम्हें ही करनी है। फिर से पूजा के लिए बब्बी। खबर न हो तो कह दूं, वो शोभना मासी का बेटा, वो भी यहाँ दिल्ली में रहता है, उसे भी प्रसाद भिजवा देना हैं? अरे हाँ भारती, वो देसाई साहब की बेटी भी यहीं हॉस्टल में पढ़ती है, उसके लिए भी भेज देना। अम्बा जी, वो प्रसाद तो मोना जी के घर भी जाना चाहिए ना, वो मैंने सोचा आपसे एक बार पूछ लें तो देंगे। अरे अनुकल बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, प्रसाद तो सबके यहाँ जाता है और फिर वो तो हमारे समधी है, क्यों भारती? जी जी बिल्कुल, और फिर ये पूजा पहली बार दोनों ने साथ की है, प्रसाद मैं खुद देकर आऊंगी। नहीं नहीं नहीं, आप लोग तकलीफ मत करिए, हम दे आएंगे जाके। क्यों सुबह सुबह भूले जा रही थी, सोचती क्या भूल रही हूँ क्या भूल रही हूँ, पर जैसे अंबा जी ने वो पूजा के सामान के बारे में बोला ना, मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। बाय गॉड, थैंक गॉड तुम पूजा का सामान ले आए, वरना मेरा तो अंतिम संस्कार वही हो जाना था। पर तुम्हें पूजा के सामान के बारे में पता कैसे चला? जी, इससे। ये तो वही चिट्ठी है ना जो मैंने तुम्हें सुबह स्वीटी दीदी को देने के लिए दी थी, और इसी के पीछे आपने अपनी पूजा का सारा सामान नोट करके रखा हुआ था। हाय रब्बा, ये तो वही लिस्ट है जो सुबह सुबह मुझे सेजल ने दी थी पूजा का सामान लाने के लिए। मैं भी कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ भाई गॉड, पर तुमने ये चिट्ठी स्वीटी दीदी को अभी तक नहीं दी और वो हार भी नहीं दिया। जी, हम प्रसाद के बहाने आपके घर इसीलिए जा रहे हैं ताकि आप ही उन्हें खुद ही दे दें, मुझसे नहीं होगा। थैंक्स अंकल। ये अचानक थैंक्स किसके लिए? पूजा का सामान लाने के लिए, बस और कुछ नहीं। और स्वीटी दीदी और जीजू को मिलवाने के लिए, और हाँ प्रसाद के बहाने मुझे मेरे घर ले जाने के लिए। और बच्चे की जान लोगे क्या? अरे इतनी बार थैंक्स बोल तो दिया, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, बस अब चले चले।
वो भी क्या दिन थे ना? नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बेस्ट फ्रेंड, पर अब सब बदल गया, हम दोस्त नहीं रहे। क्यों? हम दोस्त क्यों नहीं रहे? मतलब अब हम सिर्फ फ्रेंड्स नहीं रहे। तो फिर क्या हो गया? बोलिए। लो, यो देख लो, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और घंटी भी ना बजाई, अब दरवाजे पे ही खड़े खड़े सारा नैन मटक्का कर लोगे के? हैं? तुझे अभी आना था और ये बकवास करनी जरूरी है? लो सुन लो, इब कलावती ने कौन सी गलत बात बोल दी? हैं? अच्छा चलिए चलिए। सत्याकाल पापा जी। मोना पुत्र। अरे मोना पुत्र। अच्छा अच्छा अच्छा। आओ आप पुत्र। अरे जिंदा रे पुत्र, जिंदा रे, जिंदा रे। कैसी अरिया? तुम फटे। और अंकल पुत्र कैसे हो? सत्याकाल दर्जी। बहु, अरे लस्सी वस्सी लेके आओ भाई, अंकल मोना आए हैं। आओ बैठो पुत्र, बैठो पुत्र। थैंक यू। मम्मी जी, मोना। सब खैरियत है पुत्र? माता पिता कैसे हैं घर में? जी सब अच्छे। सतनाम। और अनुकल कैसे आना हुआ? जी हमारे यहाँ की संध्या पूजा का प्रसाद देना था, अंबाजी की बहू की पहली पूजा है। मम्मी जी स्वीटी दीदी कहाँ? अपने कमरे में। तेरी ताई जी भी वहीं है, जा जाके मिल ले। मैं भी। स्वीटी दीदी। रब्बा, ये आपके पैर में क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, पैर सूज गए। ओह, सब मैं दबा देती। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। हाँ पुत्र तू रहने दे, मैं कर रही हूँ ना। जब लड़कियाँ उम्मीद सी होती है तो अक्सर उनके पैर में दर्द रहता है। हाय रब्बा, मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ कि हमारी स्वीटी दीदी अब मम्मी जी बनने वाली है। स्वीटी दीदी, जीजू क्या चाहते हैं, लड़का या लड़की? पर ऑल थैंक्स टू यू मोना, तेरे जीजू मुझे ही नहीं चाहते। कितने बार कहा है, ऐसी हालत में हमेशा अच्छा सोचा कर, खुश रहा कर पुत्र। खुश होने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। अरे है ना खुशी, इनफैक्ट बहुत बड़ी खुशी की वजह। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। देखो तो जरा, किसी ने आपके लिए ये भेजा है। ये किसने भेजा है? जीजू ने। पता है स्वीटी दीदी, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। घंटों ढूंढने के बाद ये हार पसंद किया उन्होंने आपके लिए। मैंने देखा है, कितनी परवाह करते हैं वो आपकी। सच्ची बहुत प्यार करते हैं। वो क्या समझेंगे प्यार व्यार, हार भिजवा देने से प्यार साबित नहीं हो जाता। वो मुझसे प्यार करते तो जब मम्मी जी डैडी जी मेरा सामान वापस भिजवा रहे थे तब उन्हें रोकते, जैसे मैं उस घर की कुछ हुई नहीं। स्वीटी दीदी, पर उनके मम्मी पापा है ना, वो उनसे भी तो नहीं लड़ सकते ना। तो लड़ने को किसने कहा था? लेकिन अपने परिवार में एक बहू होने का हक तो दिलवा सकते थे ना, अपनी पत्नी का मान तो रख सकते थे ना। हाँ बेटा, तेरी स्वीटी दीदी गलत नहीं कह रही है। अनुकल तो तेरे लिए अपनी मम्मी जी डैडी जी से झूठ बोल जाता, लड़ जाता है। तुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मोना, तू बहुत लकी है। ये पूजा का सामान, इतने बाजार ढूंढने पड़े हमें इस सामान के लिए, क्यों?
तू कैसे समझेगी कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है? समझने लगी। धीरे धीरे ही सही समझने लगी।